आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। चलिए बात कर लेते हैं आज के नीमच कृषि उपज मंडी के भाव के बारे में। बात की जाए गेहूं की तो गेहूं 2,250 से 3,170 रहा। मक्का 2,011 से 2,281 के बीच रहा। उड़द 6,600 से 8,600 रहा। चना 4,900 से 5,701 के बीच रहा। दलहन 7,200 से 10,421 रहा। सोयाबीन 3,800 से 4,755 के बीच रहा। रायड़ा 4,726 से 5,051 रहा। मूंगफली 5,300 से 6,351 के बीच रही। पोस्ता 76,000 से 1,19,000 के बीच रहा। मेथी 4,000 से 7,500 के बीच रही। अलसी 4,833 से 5,355 रहा। धनिया की बात की जाए तो धनिया 4,600 से 9,420 के बीच रहा। अजवाइन 8,500 से 17,361 के बीच रहा। इसबगोल की बात की जाए तो इसबगोल 15,800 से 18,780 के बीच रहा। असगंध की बात की जाए तो असगंध 10,220 से 38,700 के बीच रहा। वही लहसुन 5,151 से 16,500 रहा, जो 1,800 से 1,998 के बीच रहा। मसूर 5,460 से 5,950 रहा। कलौंजी 17,000 से 19,250 के बीच रहा। तिली 13,450 से 13,450 रहा। चुरायता 2,209 से 2,290 के बीच रहा। तुलसी बीज 12,000 से 17,701 रहा। प्याज 521 से 1,981 के बीच रहा। चिया सीट 8,000 से 13,500 के बीच रहा। यह था आज का नीमच कृषि उपज मंडी का भाव। लगातार ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।